अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हैदराबाद से बाबरपुर तक सफ़र मेरा जारी है और आगे मुल्तान तक इंशाल्लाह जाऊंगा। तो इस वीडियो का पहला पार्ट आप देख चुके हैं, जहां हमारी ट्रेन को रोका गया था रहीम यार खान और खानपुर के दरमियान। एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा जेठा भुटा, ओवरटेक दिया जा रहा है 5 अप ग्रीन लाइन को। तो वहीं से वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो का आखिरी पार्ट इंशाल्लाह बाबरपुर तक। बहुत ही तेज़ रफ्तारी से आ रही है 5 अप ग्रीन लाइन, ओवरटेक कर रही है 37 अप को। अब 37 अप रवाना होगी, अभी तक सिग्नल रेड है तो मैं आराम से जाता हूँ। डेरा नवाब साहेब रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर रही है। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पे स्टॉप किया था तकरीबन 2 मिनट और अब दोबारा चल पड़ी है। बहुत ही बड़े दरख्त, पुराने दरख्त मौजूद हैं इस स्टेशन पे और पीछे बहुत ही पुरानी किला नमा इमारत भी नज़र आ रही है, मुबारकपुर रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारत। मुबारकपुर आगे समाजा नेक्स्ट डांस करना है ना, मुकाबला एक राइडर और एक मेरा। नहीं यार, हमने पहले ही बोल दिया, चलो कह रहे हैं डांस का मुझे बहुत शौक है। तो गाना कैसे गाना है यार आप लोग है स्पीकर है? हाँ उनके पास है ना। मुबारकपुर से रवाना हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत खेत, हरे भरे, थोड़े से खेतों का नज़ारा भी कर लें। सर्दी तो बहुत है। इसके बाद समासटा आएगा, समासटा रेलवे स्टेशन, और वहाँ इसका जो टेक्निकल स्टाफ है कुछ कोचेस अलग की जाएंगी।
दोस्तों समासट्टा रेलवे स्टेशन समासट्टा जंक्शन पे आके हमारी ट्रेन रुकी है। पानी भी भरा जा रहा है और यहाँ कुछ कोचेस अलग की जाएंगी क्योंकि आगे जो ट्रेन जाएगी तो कुछ कोच शॉर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब ये ताकतवर इंजन हमारी ट्रेन से अलग कर दिया गया है। HGMU 3082 नंबर है इसका और अब हमारी ट्रेन को लगेगा GU20 क्योंकि ये तीन कोचेस अलग कर दी गई हैं समासट्टा पे। आगे जो लोड जाएगा ये तीन कोचेस यहीं खड़ी रहेंगी और जो लाहौर से ट्रेन आ रही है 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस उसमें ये इंजन और ये कोचेस लगाई जाएंगी और कराची की तरफ जाएगी और यहाँ से हमारी ट्रेन को ले जाया जाएगा GU20 की क़यादत में। और क्योंकि ये लोधरा के बाद डिवर्ट हो जाती है ब्रांच लाइन पे तो वहाँ छोटे छोटे स्टेशन हैं मेलसी करोड़पक्का पाकपतन कसूर और फिर रायवन पे दोबारा ML1 पे सफ़र जारी रखती है और लाहौर जाती है। तो ये छोटा सा इंजन उसे ले जाएगा। वैसे छोटा भी नहीं है बहुत ताकतवर है माशाल्लाह। तो आगे ये ट्रेन अपना सफ़र जारी रखेगी और हमारा सफ़र होगा बावलपुर तक। जाओ भाई जाओ चल जाएगी। समासट्टा रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। 30 मिनट का यहाँ स्टॉप था। तीन कोचेज भी अलग की गई और अब ट्रेन को लीड कर रहा है GU20। HGMU 30 निकाल लिया गया है। लोड कम है तो छोटा इंजन लीड करेगा आगे। ब्रांच लाइन की ट्रेन है ये लोधरा के बाद लोधरा ब्रांच लाइन लोधरा रायवन ब्रांच लाइन से होती हुई लाहौर जाएगी। लोधरा से ये डिवर्ट हो जाती है ब्रांच लाइन पे मेन लाइन को छोड़ देती है। अगला स्टेशन होगा बावलपुर और हमारी मंजिल भी बावलपुर तक है। तो इंशाल्लाह अब आगे मिलते हैं बावलपुर में। हमारी मंजिल आ गई है बावलपुर और हम ट्रेन से उतर चुके हैं। अब ट्रेन आगे अपने मंजिल की तरफ जाएगी और हम आगे का सफ़र करेंगे इंशाल्लाह कल मुल्तान की तरफ। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है भाई।
ट्रेन हमारी अब जा रही है और हम यहीं उतर चुके हैं।